दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत का रोजगार संकट। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान में कृषि में कम लोग कार्यरत हैं। इसके बावजूद परिवर्तन कमजोर रहा है। कृषि कार्यों को छोड़ने वाले लोग कारखानों की तुलना में निर्माण स्थलों और असंगठित अर्थव्यवस्था में अधिक संख्या में काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में कितना है रोजगार? वर्ष 1993 से 94 में कृषि देश की नियोजित श्रम शक्ति का लगभग 62% थी। कृषि में श्रम प्रतिशत यानी राष्ट्रीय संख्यिकी कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004 से 2005 तक लगभग 6% अंक और अगले 7 वर्षों में 9% अंक गिर गया। गिरावट की प्रवृत्ति बाद के 7 वर्षों में भी धीमी गति से जारी रही। 1993 से 94 और वर्ष 2018 से 19 के बीच भारत के कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 61.9% से घटकर 41.4% हो गई। यह अनुमान है कि वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद स्तर के अनुसार भारत के कृषि क्षेत्र में कुल कार्यबल का 33-34% कार्यरत होना चाहिए, अर्थात यह 41.4% औसत कार्यबल से प्राप्त विचल को नहीं दर्शाता है। बेरोजगारी के प्रकार। प्रछन्न बेरोजगारी, यहाँ एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी, यह बेरोजगारी के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है। भारत में खेतिहर मजदूरों के पास वर्ष भर काफी कम काम होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है। चक्रीय बेरोजगारी, यह व्यापार चक्र का परिणाम है जहां मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है। घर्षण बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति से है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियां बदल रहा होता है। यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है। सुभेद्य रोजगार, इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी भी नहीं बनाया जाता है। बेरोजगारी पर अंकुश लगाने हेतु संभावित उपाय। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में संगलन कार्यबल के कौशल को बढ़ाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र में कौशल तथा ज्ञान को बढ़ावा देने से यह दोहरा लाभ प्रदान करेगा और साथ ही श्रमिकों को रोजगार के अन्य बेहतर क्षेत्रों की तलाश करने में मदद करेगा। भारत में कई श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, लकड़ी के उत्पाद एवं फर्नीचर, परिधान, टेक्सटाइल व वस्त्र आदि। रोजगार सृजित करने के लिए प्रत्येक उद्योग को विशेष पैकेज की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के प्रवास को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे शहरी क्षेत्र में रोजगार पर दबाव कम होगा। सरकार के प्रयास। आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन, स्माइल, पीएम दक्ष योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।